दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में जो पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है, वो इस बार भी तथा इस बार भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप लोगों को ये मालूम है, आजादी के बाद यह बहुत सी पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन किसी ने भी आपके संतों, गुरुओं और महापुरुषों को आदर सम्मान नहीं दिया है। बीएसपी की देश में ये पहली सरकार थी जिसने पूरा उनको आदर सम्मान दिया है और उनके आदर सम्मान में आगे भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ गरीब एवं भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए जो फ्री सरकारी जमीन दी है, तो उसे नियमों के तहत आगे भी जरूर दिया जाएगा। पूर्व की तरह इस बार भी गरीब आवासहीनों को सभी सुविधाओं के साथ फिर से 2 कमरे के पक्के मकान भी फ्री में बनाकर दिए जाएंगे। साथ ही पूर्व की तरह देहातों व शहरों आदि को भी सभी जरूरी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। आज दिलाना चाहती हूँ, इस बार जब बीएसपी की सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी की सरकार की प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ पर जो गरीब और बेरोजगार लोग हैं, उनको रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे, उनको नौकरियाँ दी जाएंगी, ये व्यवस्था की जाएगी। अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी यह चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहां सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आप लोगों के फिर से यहाँ बीएसपी के शासनकाल वाले आपके अच्छे दिन वापस आ सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आपको समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र वे काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ के उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में, खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं, बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके
सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया था, न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब फिर इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा ना ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है, पीड़ित रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राजरा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज्यादातर खत्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में हमारी सरकार द्वारा जनहित की अनेकों योजनाओं के व नए बनाए गए जिलों के तथा यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के भी जो नाम रखे गए थे तो उन्हें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिया है। इस प्रकार से इनके प्रति ये है इनका प्रेम व सम्मान आदि। इसके साथ ही हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोचकर चल रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी अपना वोट कतई भी नहीं देना है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की भी नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहां जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में
गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहां सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में हर मामले में सबसे ज्यादा दुखी रहा है, भयभीत रहा है और अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग में भी ब्राह्मण समाज हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहा है और अभी भी है। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी, भाजपा सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। जबकि इस मामले में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब बीएसपी के नेतृत्व में चार बार यहाँ सरकार रही तो मेरी सरकार में पलायन करना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि जो पलायन करके चले गए थे वो भी यहाँ पर वापस आ गए थे। बड़े पैमाने पर लोगों को रोटी रोजी के साधन मिले। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, इस बार जब बीएसपी की सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी की सरकार की प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ पर जो गरीब और बेरोजगार लोग हैं उनको रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे, उनको नौकरियां दी जाएंगी, ये व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितेशी रही पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सब समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार भी सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में खासकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए भी इस बार भी विशेष कदम उठाए जाएंगे और इस मामले में हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ गरीब एवं भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए जो फ्री सरकारी जमीन दी है तो उसे नियमों के तहत
आगे भी जरूर दिया जाएगा। पूर्व की तरह इस बार भी गरीब आवासहीनों को सभी सुविधाओं के साथ फिर से 2 कमरे के पक्के मकान भी फ्री में बनाकर दिए जाएंगे। साथ ही पूर्व की तरह देहातों व शहरों आदि को भी सभी जरूरी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। इनके साथ साथ ऐसे अनेकों और भी ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे जो सरकार बनने पर फिर से यहाँ किए जाएंगे। ऐसे जो हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, तो जब बीएसपी की यहाँ सरकार बनेगी तो वो इस बार तो वो कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में ही दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में जो पूरा आदर सम्मान दिया गया है, वो इस बार भी तथा इस बार भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप लोगों को ये मालूम है, आजादी के बाद यह बहुत सी पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन किसी ने भी आपके संतों, गुरुओं और महापुरुषों को आदर सम्मान नहीं दिया है। बीएसपी की देश में ये पहली सरकार थी जिसने पूरा उनको आदर सम्मान दिया है और उनके आदर सम्मान में आगे भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा आपके बस्ती मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहां लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहां बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहाँ मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना भी को भी लागू किया जाएगा। ये भी मैं आपको कर्मचारियों को बताना चाहती हूँ। इनके अलावा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का
जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में, उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो वो गलत साबित हुए थे। इस बार भी आप लोगों को गलत साबित करके दिखाना है, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ हो रहे आम चुनाव, इतना ही नहीं मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब से पश्चिमी यूपी के, जब से, क्योंकि आप लोगों को मालूम है यूपी में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, जिसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई है, और जब से पश्चिमी यूपी के बारे में बीएसपी की दलितों व मुसलमानों की स्थिति को लेकर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने एक अपने इंटरव्यू में जो एक सवाल जवाब में जो कुछ कहा है, तो तब से यहाँ मीडिया व विरोधी पार्टियों ने भी फिर से ये रागना शुरू कर दिया है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और यदि बीएसपी बीजेपी की बी टीम होती तो फिर सपा ने यहाँ एक बार विधानसभा का व दूसरी बार लोकसभा का आम चुनाव बीएसपी के साथ मिलकर क्यों लड़ा था? इस बारे में मीडिया व सपा भी जनता को जरूर बताए। इतना ही नहीं बल्कि अपनी पारिवारिक व राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपसी रिश्तों व मेल मिलाप तथा संसद के भीतर देश व दुनिया के सामने जब श्री मुलायम सिंह यादव के भाजपा को जीत का आशीर्वाद देने आदि को थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाए, आदि को देने के लिए थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाए, तो भी खासकर श्री मुलायम सिंह यादव का सन 1977 में बीजेपी के साथ यूपी की सरकार में बने रहना तथा श्री कल्याण सिंह के साथ उनका गले मिलना तथा सन 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी के सहयोग से यूपी की सत्ता में अचानक आ जाना, यहाँ के लोग कैसे भुला सकते हैं? इसके साथ साथ सपा की तरह ही कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ विधानसभा का आम चुनाव एक बार बीएसपी के साथ मिलकर क्यों लड़ा था, तथा केंद्र में भी अपनी सरकार के लिए कई बार बीएसपी का समर्थन क्यों लिया था? इस बारे में भी मीडिया व कांग्रेस पार्टी भी जनता को जरूर बताए, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि यदि इनका बीएसपी से स्वार्थ सिद्ध होता है तो बीएसपी बीजेपी की बी टीम नहीं है, और यदि नहीं होता है तो फिर ये लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। ये सब इनकी घिनौनी राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये सब कहना इनकी लोमड़ी की उस कहावत की तरह है कि अंगूर खट्टे हैं, जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि बीएसपी एक नेशनल लेवल की पार्टी है, और ना ही हमारी पार्टी यहाँ किसी भी पार्टी की ए या बी टीम है। इसी प्रकार कुछ जातिवादी मीडिया खासकर दलितों को गुमराह करने के लिए अक्सर ये भी दर्शाता रहता है कि आपकी बहन जी जहाँ पर दलितों का उत्पीड़न होता है वहाँ पर क्यों नहीं जाती है, जबकि कांग्रेस की यूपी की प्रभारी वहाँ जाती है। लेकिन उनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और इस संबंध में यहाँ मैं मीडिया से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या सोनिया गांधी कभी ऐसे मौकों पर यहाँ आई है? मैं समझती हूँ नहीं आई है। इसके साथ ही यहाँ मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी ने कांग्रेस की यूपी की प्रभारी की तरह यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारी तैयार कर दिए हैं जो दलितों पर अत्याचार होते ही तुरंत वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं।
और वे कांग्रेस व अन्य पार्टियों की तरह मीडिया में जाकर नाटकबाजी नहीं करते हैं, जबकि इस मामले में कांग्रेस पार्टी की हकीकत तो ये है कि जिस पार्टी ने इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी भी आदर सम्मान नहीं दिया है, जिसका मैं शुरू में ही काफी कुछ जिक्र कर चुकी हूँ, तो वो पार्टी कभी भी इन वर्गों की हितेशी व शुभचिंतकारी नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोगों को इस चुनाव में खासकर जातिवादी मीडिया व ऐसे दोहरे चरित्र रखने वाली पार्टियों से भी जरूर आप लोगों को सावधान रहना है। इतना ही नहीं बल्कि यह हो रहे विधानसभा आम चुनाव को प्रभावित करने के षड्यंत्र के तहत कभी आतंकवाद के नाम पर व कभी महाराष्ट्र में चल रही जांच एजेंसियों की गतिविधियों को भी लेकर जो कुछ हो रहा है, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को इनसे भी बिल्कुल गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति उनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही वह समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। हमारी माताएं बहने यहाँ बड़ी संख्या में मुझे सुनने के लिए आई हैं, उनसे भी मेरी पुरजोर अपील है कि वोट वाले दिन आप पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, बढ़ चढ़कर आप इस चुनाव में हिस्सा लेंगी, अपना एक एक वोट जरूर डालेंगी। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपकी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी के हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही पुरजोर अपील है कि पार्टी ने यहाँ आपके बस्ती मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ मंच पर आपके सामने यहाँ मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है, तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ
यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को क्या करना है, वोट वाले दिन आप लोगों को पूरी तैयारी करके आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों की भीड़, आप लोगों की ये अपार भीड़, वह भीड़ के जोश को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी पांचवी बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को पांचवी बार यूपी का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। और मैं पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब पांचवी बार इस बार मेरे नेतृत्व में बीएसपी की सरकार बन जाएगी तो आप लोगों की सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। खास तौर से जो गरीब बेरोजगार लोग हैं उनको रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की जुर्म जाति नहीं होने दी जाएगी। और मेरी सरकार ने जो पूर्व में फैसले लिए हैं वो सभी फैसले फिर से लागू किए जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत, मान्यवर शहरी समग्र विकास योजना के तहत गांवों और देहातों को सभी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। उन देहातों को और शहरों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा जहां पर वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, गरीब व वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बस्ती मंडल से इस बार अपनी पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट लाएंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के बस्ती मंडल के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।